मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और लाडली बहन योजना जैसी तमाम योजनाएं जो है महिलाओं के लिए लाई, वो जमीनी स्तर पर कितनी कारगत हुई ये महिलाएं ही बता पाएंगी। क्या लगता है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिस तरीके से शिवराज सरकार ने महिलाओं के लिए जो भी कुछ किया है, लाडली बहन योजना हो या तमाम योजनाएं हो, उज्ज्वला योजना हो, जमीनी स्तर पर कितना कारगर है? बहुत ही कारगर है। महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत अच्छी बात है भैया, और हम इस विषय में यही कहना चाहेंगे कि प्रत्येक महिला के हृदय में शिवराज सिंह चौहान जी ने अपना स्थान बनाया है और बढ़िया कार्य कर रही है भाजपा। महिलाएं सशक्त होंगी, जब घर की महिला एक सशक्त होती है तो पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आज मातृशक्ति यहाँ पर सभी उसी बातों को लेकर भी स्थित यहाँ पर आज उपस्थित है, और राष्ट्रीय सेवक संघ की सभी महिलाएं आज यहाँ पर एक शांतिपूर्ण संचलन करने के लिए निकल रही हैं। तो हम लोग सब आज यहाँ पर एकत्र हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा कार्य भाजपा कर रही है। बिल्कुल, महिला सुरक्षा की जिस तरीके से बात होती है, मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष सरकार को हमेशा घेरता आया है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? बताएं, जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष हावी रहता है, उस पर राजनीतिक माहौल क्या है? जिस तरह से विपक्ष हमेशा हावी होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिला सुरक्षा के ऊपर तो अभी काफ़ी सुरक्षित हो चुकी है, मध्य प्रदेश की भी, इवन कहना चाहेंगे देश की भी, क्योंकि जब से हमने मोदी सरकार को देखा, मैं राजनीतिक महिला नहीं हूँ, उसके बावजूद भी जो मोदी जी हमारे लिए काम कर रहे हैं उसको हम लोग नकार नहीं सकते, पूरा देश नहीं नकार सकता। और जिस तरह से शिवराज सरकार ने काम किया है, तो जैसे जो लाडली बहना हो गई, आपकी उज्ज्वला योजना हो गई, और जो भी लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना तो मध्य प्रदेश से शुरू हुई है ना, पूरे देश में। तो जब लड़की पैदा होती है यहाँ हमारे प्रदेश में पैदा होते साथ ही वो सुरक्षित हो जाती है, उसकी 18 साल होने तक उसकी इतनी राशि मिलती है जिससे आगे का उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। दूसरी हो गई कि अभी लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना में जो उन्हें लाभ मिला है उससे सभी खुश हैं, और अतिरिक्त ये जो पैसा उन्हें मिल रहा है तो वो पैसा उनके बहुत काम आता है। और जिस तरह से हमारे आसपास के लोगों जिनको ये मिलना चाहिए सहायता, उनको मिल रही है, पूर्णतः मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और उज्ज्वला योजना तो मतलब घर घर में हम लोगों ने खुद देखा है कि कहाँ कहाँ पे सबको मिल रहा है उसका लाभ, जिस तरह से लाभ उठा रही हैं महिलाएं, तो हम लोग तो निश्चय ही हम लोग बहुत ही तारीफ करेंगे इस बात की। हम सब शुक्रगुजार हैं उनके कि इसी तरह से मतलब देश की आधी आबादी के साथ में यह जो अच्छा कार्य शुरू किया गया है। बिल्कुल, लेकिन मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ जिस तरीके से घृणित कार्य की खबरें आती रहती हैं, चाहे उज्जैन कांड हो, उस पर आप लोग क्या विचार करते हैं, उस पर आप लोग की क्या राय है? वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, वो घृणित जो कार्य होते हैं हम लोग उसका जो महिलाएं पीड़ित होती हैं, बच्चियां पीड़ित होती हैं, हम लोग उनका बहुत सपोर्ट करने जाते हैं, उसके ऊपर हम काम भी करते हैं। लेकिन ये घृणित कार्य केवल यहाँ नहीं है, वो पूरी दुनिया में है, विश्व में है, यहाँ तक वो अमेरिका जो बहुत मॉडर्न शहर देश कहलाता वहाँ पर भी है। तो इसकी सुरक्षा के लिए तो हम सबको ही रहना पड़ेगा कि हम सब खुद अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करें। और सबसे पहले माँ, जो माँ होती वो अपनी बेटी को बचपन से सिखाए, माँ अपने बेटों को सबसे पहले सिखाए, बेटे बच्ची को पहले बेटों को सिखाए कि बेटा ये तेरी बहन है, ये तेरी माँ है, ये तेरी दादी है, तेरी नानी है, और यही ये लड़की है जो वो है। तो आपको बचपन से वो संस्कार देने पड़ेंगे, और ये संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार कहाँ से आएंगे, संस्कार अपने घर से आएंगे। तो मुझे लगता है कि हम सबसे पहले हम अपने आप को जिम्मेदार माने कि हमारी संस्कृति ऐसे कहाँ चली जा रही है जो इस घृणित कार्य को कर रही है। यही कह रहे थे कि इन्हें संस्कार घर से ही दिए जाएंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। सरकार अकेले क्या कर लेगी, इन्हें सरकार अकेले, पुलिस कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक अपन उनको सुसंस्कृत नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चों को ही सबसे पहले, अपन अपने बच्चों को ही पहले उनको ही संस्कार। और भी महिलाओं से बात किया है इस मुद्दे पर, तो उनकी एक राय थी कि इन सब कारणों के पीछे नशेबाजी है, तो कई महिलाएं जो है शराबबंदी भी लागू करने की मांग कर रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है? नशेबंदी तो हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि नशा जो बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ का, तो इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं। आजकल केवल मतलब शराब का नशा नहीं है, अभी शहर में गली गली हर देश में आपको गांजा मिल जाएगा, स्मैक मिल जाएगा आदि, और कहाँ मिल रहा है उसके लिए तो मुझे लगता है सरकार को, समाज को, पुलिस को, सब पे उस पर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत, क्योंकि हमारा आने वाला जो यंग जनरेशन है वो ख़राब हो रही है।
जिस तरीके से जमीनी स्तर पे जो भी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की कितनी कारगर है, उससे महिलाएं कितनी संतुष्ट हैं? इसके बारे में तो यही कहेंगे कि सारी महिलाएं काफ़ी पहले से मोदी और शिवराज के साम्राज्य में सुरक्षित महसूस कर रही हैं और सारी योजनाएं काफ़ी हद तक कारगर हुई हैं और लड़कियां काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रही हैं और इस सब के लिए मतलब परिवार और परिवार का माहौल काफ़ी हद तक काम करता है और प्रशासन तो ये है ही जिम्मेदार, मगर घर से ज़्यादा इसकी शुरुआत होती है। आप भी कुछ कह रही थी। हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि मोदी सरकार में महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा मिला है। आज जो भी जो शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है जो महिलाओं को राशि प्रदान कर रही 1250 और ये जो अमाउंट दे रही है उससे काफ़ी महिला जो बेरोजगार महिलाएं हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है वो अपने बच्चों की फ़ीस भुगतान कर सकती हैं या जो भी उसको आर्थिक लाभ जो दे रही है सरकार उससे उसको बहुत फ़ायदा है। लेकिन मैं ये जो आपने नशाबंदी का जो मुद्दा अभी उठाया था, मुझे इसमें ये बोलना चाहती हूँ कि नशा ये जो शॉप्स होती हैं जो वाइन शॉप्स जो होती हैं वहाँ पर लाइसेंस तो प्रोवाइड करते हैं, तो लाइसेंस प्रोवाइड कौन करता है और लाइसेंस प्रोवाइड करने के बाद जो टैक्स जाता है वो थोड़ा ये शायद मैटर कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि लाइसेंस तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, तो नशाबंदी के लिए तो सबसे पहले सरकार को ही सख्त होना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो इसीलिए तो महिलाएं जो मांग कर रही हैं सरकार से कि नशाबंदी लागू होनी चाहिए, तो आपकी क्या मांग होगी शिवराज सरकार से? मैं सरकार से तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ये जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं पहले तो उसी पर बैन, अगर लाइसेंस ही प्रोवाइड नहीं करेंगे और ये हमारे यहाँ एक आप समझ गए होंगे अगर ये भी हमारे यहाँ एक अपराध हो जाएगा कि भाई आप नहीं बेच सकते वाइन और शॉप वगैरह नहीं, तो ऑब्वियसली बैन तो लग ही सकता है। चलिए देखिए, अभी जो जिस तरीके से महिलाओं की भी यही मांग है कि नशाबंदी यहाँ लागू होनी चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर कारगर साबित हो रही हैं इनके हिसाब से, लेकिन चुनावी माहौल है, जब चुनाव परिणाम आएंगे तभी पता लगेगा कि जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाएं कितनी सही और कारगर साबित हो रही हैं।